उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में मनाई जाने वाली शिव नवरात्रि के आज छठे दिन बाबा महाकाल ने आने वाले भक्तों को मन महेश मुखौटे में दर्शन दिए। आज दशमी तिथि पर मन महेश स्वरूप का महत्व अत्यधिक माना जाता है। शिवरात्रि के पूर्व बाबा निराकार से साकार रूप में आते हैं और फिर शुरू हो जाती है भोलेनाथ के विवाह की रस्में, जिसमें बाबा को दुल्हे की तरह सजाया जाता है और प्रतिदिन चंदन हल्दी के लेपन से अभिषेक के पश्चात बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, जिसमें प्रथम दिन बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन के पश्चात वस्त्र धारण कराए गए थे। दूसरे दिन बाबा ने नागचंद्रेश्वर रूप धारण किया था। साथ ही चौथे दिन घटाटोप स्वरूप के बाद बाबा ने पांचवें दिन होलकर स्वरूप दर्शन दिए। वहीं आज मन महेश स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। मन महेश का अर्थ होता है मन मोहने वाला। कल बाबा उमर महेश स्वरूप में दर्शन देंगे। गौरतलब है कि विश्व में सिर्फ बाबा महाकाल के आंगन में ही शिव नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और शिवरात्रि पर बाबा महाकाल दुल्हा बनते हैं और सहरा सजता है। नवरात्रि महोत्सव भगवान महाकाल के दरबार में आज भोलेनाथ मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। कल बाबा महाकाल उमा महेश के रूप में दर्शन देंगे। मन महेश का स्वरूप ये भगवान महाकाल का ऐसा स्वरूप है कि जो भक्त लोगों को मन को मोह लेता है। भगवान शिव नवरात्रि के अंदर नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं। इसी श्रृंगार में दसवीं महापर्व और एकादशी महापर्व का बड़ा महत्व होता है। कल बाबा महाकाल की गोद में माँ पार्वती विराजमान होगी, इसलिए उसे उमा महेश कहते हैं। जय महाकाल।